आजमगढ़ में जिले के सभी 22 विकास खंडों के नजदीकी विद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में पंचायत चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। मतगणना न्याय पंचायतवार अनुसार कराई जा रही है। वहीं जिले के 278 न्याय पंचायत के लिए 1112 टेबल लगाए गए हैं। प्रत्येक टेबल पर 4 कर्मचारियों की ड्यूटी वोटों की गिनती के लिए लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना चल रही है। वहीं प्रत्याशी और उनके एजेंटों के मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए पास अनिवार्य है और पास उन्हीं का बनाया गया है जिनकी कोविड जांच के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई है या जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। वहीं प्रशासन का दावा था कि मतगणना कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए कराई जाएगी, लेकिन मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों और उनके एजेंटों को भारी भीड़ कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रही है। कई मतगणना कर्मचारी भी बिना मास्क के वोटों की गिनती में लगे हुए हैं। मतगणना को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। साथ ही सभी एसडीएम को सुपर जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है। बता दें, विजय प्रत्याशियों को ब्लॉक पर ही जीत का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जबकि जिला पंचायत सदस्य पद के जीते हुए उम्मीदवारों को जिला मुख्यालय पर एडीएम प्रशासन जीत का प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। जीत के बाद विजय जुलूस निकालने पर भी पाबंदी लगाई गई है। मतगणना स्थलों पर जिस हिसाब से भारी भीड़ उमड़ी है, उससे एक बात तो तय है कि मतगणना संपन्न होने के बाद जिले में कोरोना की महामारी विस्फोटक रूप ले लेगी। हर न्याय पंचायत पर 1-4 टेबल लगाई गई, 40 टेबलों पर काउंटिंग हो रही है और सभी टेबलों पर काउंटिंग शुरू हो गई है। कुछ मतगणना सर लेट से हुई है, सिर्फ क्या है सर? नहीं, मतगणना देखिए, जब सारी पार्टियां पूरी हो जाती हैं जी, तब एक साथ मतगणना सभी टेबलों पर शुरू करानी थी, थोड़ा सा। सर, जो लोग गिनती कर रहे हैं वो भी मास्क नहीं लगाए हैं और जिस तरीके से यहाँ पे सोशल डिस्टेंस की धज्जी उड़ रही है, देख रही है, उसको लेकर क्या करेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, पुलिस फोर्स है, हम लोग देख रहे हैं, जो लोग नहीं पालन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई। सर, शासन से तमाम चीज़ें की ये मतगणना पे है, वहाँ पे कोई भी कोई सिपाही कोई पुलिस भी नहीं वहाँ पे है और मतगणना वहाँ पे शोर भी हो रहा है, यही देखने जा रहा हूँ। आजमगढ़ से क्यामुद्दीन आजमी की रिपोर्ट।